हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। यहाँ पर आपको व्रत व त्योहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। करवा चौथ 2021, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, बन रहा है कुछ खास संयोग, जाने तिथि व चंद्र दर्शन का समय। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहते हुए करना होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस बार करवा चौथ पर कुछ खास संयोग बनने से यह बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम आपको साल 2021 करवा चौथ की तिथि, शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस पूजा की विधि के बारे में बताएंगे। आइए जान लेते हैं करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर प्रातःकाल 3:01 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर प्रातःकाल 5:43 पर। करवा चौथ पूजा का समय होगा शाम 5:43 से शाम 6:59 पर। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:07 पर। आइए जान लेते हैं कि इस बार कौन से ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष अनुसार इस साल करवा चौथ पर विशेष संयोग बन रहा है। इस बार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। इसी शुभ और खास योग में चांद की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में व्रत रखना और पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। आइए जान लेते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन व्रती महिला को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद सास द्वारा दी गई सर्गी ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर करवा चौथ निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। पूजा स्थल में कलश की स्थापना कर और गेरू व पिसे हुए चावलों के घोल से करवा का चित्र बनाकर भगवान गणेश जी, माँ गौरी व शिव की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब विधिवत इनकी पूजा करें। आइए जान लेते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। पूजा में माँ को सुहाग का समान अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ें और सुनें। अंत में पति की दीर्घायु की कामना करते हुए सास का आशीर्वाद लेकर उन्हें करवा भेंट करें। इसके बाद रात्रि में चंद्रोदय के बाद छलने से चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देकर धूप दीप जलाकर चंद्रदेव को प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।